morning, students. I am Smita Maroda, 4th class nursery. And today we are going to learn subject Hindi. Students, इससे पहले आप अंग पढ़ चुके हैं. आज आप पढ़ेंगे अह. क्या है ये? आज का टॉपिक है हमारा अह. क्या सीखेंगे? अह. आपने इसको भी अंग की तरह लिखना है. पहले आपने इसको अ बनाना है और इसके पीछे छोटे छोटे से दो बिंदु लगेंगे और ये है आपका अह. क्या है ये? अह. वैसे वैसे आप रिटर्न वर्क करेंगे और वैसे वैसे मुंह से बोलते रहेंगे. क्या है ये? अह. क्या है? अह. ये है आपका अह. क्या है? अह. क्या है ये? अह. जैसे आपने ये लिखा है वैसे आपने इसके नीचे वैसी अह बनाना है. क्या है ये? अह. ठीक, जैसे आपने ये लिखा है आपने यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है. क्या है ये? अह. ठीक, जैसे आपने ये लिखा है यहाँ पर भी आपने स्पेस छोड़ना है और नीचे वैसे ही लिखना है. क्या है? अह. आप लिखेंगे और बोलते रहेंगे. क्या है ये? अह. यहाँ पे भी आपने ऐसे ही लिखना है जैसे आप पहले लिख चुके हैं ऊपर. जब आप इस तरह से अपना रिटर्न वर्क पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है? रीड करना है, पढ़ना है और लर्न करना है. अह. 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 ये है आपका अ जो हमने इतना बनाया है. बट इसके पीछे जो आपने ये बिंदु लगाया है इसमें हमने ह यानी अह का उच्चारण आ रहा है. इन बिंदु को लगा के हमारा अह बनाई. ये अ है लेकिन जब ये बिंदु इसमें जुड़ रही है तो हमारा इसमें दूसरा उच्चारण आ रहा है. तो आपने क्या पढ़ना है? अह. 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 अह खाली होता है, इसकी कोई पिक्चर नहीं बनती है लेकिन इसका जो उच्चारण है वो दूसरे अक्षर के साथ उच्चारण में आ रहा है. इन जो बिंदु ये जो दो बिंदु है इसका क्या बन रहा है? अह. जैसे क्या होता है? नमः. अथ. वैसे ये क्या है? अह. क्या है? अह. इस तरह से आप इसको रीड करेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे और समझेंगे कि इन दोनों जो ये बिंदु लगे हुए हैं इसका मतलब क्या है? अह. क्या है ये? अह. तो इसी तरह से आप इसको रीड करेंगे. अह. अह. अह.